खेती कानूनों के मामले ते किसानों के विरोध कारण पैदा हुए हालातों बारे सुप्रीम कोर्ट में अज सुनवाई दौरान अदालत ने खेती कानूनों ते अगले हुक्मां तक रोक लगा दी है और नाल ही कमेटी बनाई है। कमेटी में भुपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसानों कमेटी को आना ही होगा। इस तो पहले अदालत ने कहा कि समस्या के हल लई उस को कानून को मुलतवी करने का अधिकार है। इस दे नाल ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो कमेटी बनाएगी तो कमेटी अपने लिए बनाएगी। इस कमेटी को बनाने तो उसको कोई नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा है कि कमेटी सर्वोच्च अदालत को दसेगी कि कानूनों विचलियां केड़ियां मद्दां को हटाया जाना चाहिए है। अदालत मामले की जमीनी हकीकत जानना चाहती है। उन्हें कहा कि अदालत चाहती है कि समस्या सुचजे ढंग नाल होवे। अदालत ने किसान जथेबंदियों नूं कहा कि वो मामले के हल लई कमेटी नूं सहयोग देन। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जदों किसान सरकार कोल गल करन लई जा सकते हैं तो कमेटी कोल जाण चों इतराज़ क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जनता की जिंदगी के संपत्ति बारे चिंतित हैं। वर्णनयोग है कि अज सुनवाई मौके किसानों वालों कोई वकील पेश नहीं होया है। उधर सुप्रीम कोर्ट वालों अज के इस फैसले तो बाद सिंगू बॉर्डर उपर किसान जथेबंदियों की मीटिंग जारी है और इस फैसले पर मंथन किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होना है या फिर नहीं। हालांकि किसान जथेबंदियों ने अपने निजी तौर पर गलबात करदिया यह संकेत दिता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो सहमत नहीं हैं और जदों तक खेती कानून वापस नहीं होंगे हैं किसान इतों हटनगे नहीं। हुण सारे दी नज़रां सिंगू बॉर्डर से चल रही किसान जथेबंदियों की मीटिंग उपर लगिया हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।